खबर नागौर से है, जहां रालोपा संयोजक और एनडीए उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन कलेक्टर दिनेश कुमार यादव के सामने पेश किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, विधायक मोहन राम, इंदिरा बावरी और विधायक रूपा राम भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं हनुमान बेनीवाल को ईश्वर के नाम शपथ भी दिलाई गई। जवानों ने कमर संभाल ली है, 36 को हम साथ है, मोदी जी की भी लेट चल रही है और जवान हनुमान बेनीवाल के साथ भी खड़ा, डबल ताकत से चुनाव लड़ेंगे। बहुत ऐतिहासिक चुनाव होगा, नागौर की धरती वैसे भी परिवर्तन के लिए मानी जाती है। देखिए, तीसरी ताकत की बात जो कही, जो वो भी मैं नागौर से ही था, हिमाचल का विधायक था और राजस्थान में तीसरी ताकत को स्थापित कर दिया विधानसभा चुनाव। अब इस ताकत को देश के चुनाव के अंदर हमें मोदी जी को मजबूत करने के लिए इस ताकत को वहाँ पर लगाना है, तो नागौर के अंदर ये जवान किसान।